हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लस टू अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर जो 4 है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको अच्छे से पता होगा, हमने 5 केसेस किए थे और आई होप सभी बच्चे के हो भी गए होंगे। माना एक दो प्रॉब्लम सभी की आती है, तो अगर जिसकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें भी तो पता लगे कि आप कितना कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने न्यू रेशो बेटा निकालना सीखा था 5 केसेस से। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सैक्रिफाइजिंग जो रेशो होता है वो कैसे निकालते हैं बेटा, हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो सैक्रिफाइजिंग रेशो, अभी देखना एक बात ध्यान से समझना, सैक्रिफाइस कौन करता है अपने हिस्से का, पुराने पार्टनर नया पार्टनर? बेटा डेफिनेटली पुराने पार्टनर अपने हिस्से का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस कर देते हैं, किसको, नए पार्टनर को। और गेन कौन करता है, नया पार्टनर करता है गेन। तो चलिए, उसने कहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि आपको कोई केस दे देगा और पूछ लेगा, सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले आपको तो क्या, ओल्ड रेशियो तो आपको हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा, ऑलवेज क्वेश्चन में मेंशन होगा, आपको निकालना क्या आना चाहिए, न्यू रेशियो। जो मैंने 5 केसेस सिखाए थे बेटा, ध्यान से सुन लेना, जो 5 केसेस सिखाए थे न्यू रेशियो के, उन केसेस को अच्छे से पढ़ लेना। ओल्ड रेशियो हमें हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होता है, न्यू रेशियो अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो हमें खुद निकालना होता है। तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है। हो सकता है आपसे या 1 मार्क्स में पूछ लिया, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है सीबीएसई में, ठीक है, 12th क्लास में 1 या 3 मार्क्स में आपसे निकलवा भी सकता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। ये बात समझ में आ गई। तो अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको ये निकालना सिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, अभी दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए 3:2 है, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो 3:2 में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बात क्लियर है। सी एडमिट हो गया, सी एडमिट हुआ है, ये नहीं बताया कितने हिस्से के लिए है, सी एडमिट हो गया एज अ न्यू पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर। जिस दिन सी एडमिट हुआ है उस दिन इन्होंने डिसाइड किया कि अब से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए वो क्या रहेगा, इक्वल, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा हम तीनों पार्टनर्स वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेटा ये 3:2 दैट मीन्स ओल्ड रेशियो, 1:1 दैट मीन्स न्यू रेशियो, ये बात समझ में आ गई। दोबारे मैं रिपीट कर देता हूँ, ए भी दो पार्टनर थे, 3:2 में सी एडमिट हुआ, जिस दिन सी एडमिट हुआ उन्होंने डिसाइड किया तीनों ने मिलकर कि अब से हम जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेटा ये न्यू रेशो आ गए, नए हिस्सा आ गया, ये पुराना रेशो था इनका। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलता ही कैसे है बेटा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, देखो सैक्रिफाइस कौन करता है, पुराना पार्टनर नया पार्टनर, बिल्कुल बेटा पुराना पार्टनर करता है सैक्रिफाइस, नया पार्टनर तो ऑलवेज गेन करता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो किस किस का निकालेंगे, पुराने पार्टनर्स का ओनली, ए का और बी का। सैक्रिफाइसिंग रेशो कहीं इसका मत निकालने बैठ देना नए पार्टनर का, ये सैक्रिफाइस थोड़ी करेगा, ये तो बल्कि एडमिट हुआ है, ये तो बल्कि लेने आया है कुछ, ठीक है, इसको तो हिस्सा मिलेगा, ये बल्कि अपने हिस्से में से इसको दे रहे हैं, ठीक है, पहले तो दोनों में बंटता था प्रॉफिट, अब तीनों में बंट गया, तो इन्होंने अपने हिस्से का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस किसको कर दिया, सी को कर दिया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा ऑलवेज पुराने पार्टनर्स का निकलता है। तो ए का जो हिस्सा था ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है भाई, 3:2 था ए और बी का, तो 3/5, और बी का कितना था ओल्ड रेशियो, 2/5। अभी न्यू रेशियो देखो, ए का न्यू रेशियो कितना है, 1:3, यानी कि 1/3, और इसका भी 1/3। एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ जाएगा, 15, इसका भी 15 आ गया, तो 9-5, 4/15, इसका कितना आ जाएगा, 6-5, 1/15। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा अच्छे से समझ लीजिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के और माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। अगर मान लीजिए
आपने, मैंने आपको 5 केसेस करवाए थे, करवाए थे, याद है कुछ? बिल्कुल याद होगा, ए और बी, ठीक है बेटा, ये 3:2 में है, सी एडमिट हो रहा है बेटा 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। आपसे क्या कह देगा, कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखो न्यू रेशो तो भाई इन तीनों का निकलेगा, तीनों का निकलेगा, जबकि सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी का ही निकलेगा, और न्यू रेशो तो किस किस का निकलेगा, ए का भी, बी का भी और सी का भी। सेक्रीफाइसिंग रेशो तो मैंने आपको बताया था बेटा, पुराने पार्टनर्स का ही निकाला जाता है, नए पार्टनर्स का नहीं निकाला जाता, जबकि न्यू रेशो तो तीनों का निकलता है। तो बेटा यहां पर कौन सा केस पहले अप्लाई हो रहा है न्यू रेशो निकालने के लिए, केस इज फर्स्ट, तो केस फर्स्ट अप्लाई होता है तो क्या करेंगे, ए न्यू शेयर या फिर रेशो कह सकते हैं इसको, ऐसी बी का निकाल लेना, ठीक है, सी का तो है कितना बेटा 1/5, ए का कितना है अभी देखना, सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है बेटा 1/5 के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग इन दोनों का कितना बचा होगा, फर्स्ट केस करा रहा हूं मैं आपको 4/5, अभी आपको समझ में आ गया 4/5 कैसे आया, केस वन में जाके आप देख सकते हैं दोबारे। तो अभी क्या किया मैंने, ए और बी, ए का पुराना हिस्सा कितना था 3/5 और बी का भी कितना था 2/5, ए अपने हिस्से, उसको अपने हिस्से का कितना हिस्सा मिल रहा है अब 4/5, ऐसे इसको भी 4/5 मिल रहा है, तो कितना आ गया 12/25, 8/25 और 1/5 तो है इसी का, इनका एलसीएम ले लेंगे बेटा 12/25, 8/25 और 1/5, एलसीएम इनका कितना आ गया बेटा 25, यहां कितना कर देंगे 12, 8 और 5, ये बेटा इनका क्या आ गया न्यू रेशो, कितना आ गया इनका 12, 8, 5, इनका न्यू रेशो आ गया, कितना आ गया न्यू रेशो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो देखिए 12, 8, 5 हमारा न्यू रेशो आ गया, ये वाला न्यू रेशो 12, 8 और 5, अभी हमारे पास ये तो फाइंड आउट हो गया, अभी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है ए और बी का। सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये बात समझ में आ गई होगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो तो हम खाली ए और बी का निकालते हैं, ए का और बी का, पुराने पार्टनर्स का, ए और बी का पुराना हिस्सा कितना है 3/5 ओल्ड रेशो, और बी का कितना ओल्ड रेशो 2/5, न्यू रेशो कितना है भाई ए का 12 + 8 + 5, यानी कि 12 और 8 + 5, यानी कि 12/25 और 8/25 न्यू रेशो, ठीक है 12 और 8 टोटल हमेशा नीचे रखते हैं, ये ध्यान रखना। अभी इसका जो एलसीएम लेंगे तो बेटा वो कितना आ जाएगा, एलसीएम 25 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 - 12 बेटा 3/25, इसका 10 - 8 2/25, तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ गया 3:2, ये आ जाएगा 3:2, ये आपका ये आंसर निकल गया। तो यहां तक आपको बेटा ये चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, मैंने आपको न्यू रेशो निकालना सिखा दिया, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सिखा दिया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और इन क्वेश्चंस को जितना हो बेटा उतना करके देखो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, तभी तो हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। तो जितना हो सके बेटा पढ़िए, मेरे अकेले के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो खुद ये श्योरिटी के दे दे कि भाई बच्चे नहीं पढ़े और मैं पढ़ा दूंगा और पास हो जाएंगे, नहीं बेटा पढ़ना फिर भी आपको खुद पड़ेगा, ठीक है। जितना आप हमें कोऑपरेट करेंगे हम आपको कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, दोनों के कोऑपरेशन से ही ये क्वेश्चंस सोल्व हो पाएंगे। तो आज के लिए हमारे साथ इतना ही था।